हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अविता का लैपटॉप, जो कि अविता पूरा सीरीज के नाम से आता है। इस लैपटॉप के अंदर क्या है और क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कोरियर आता है तो ये बॉक्स जो है वो इस तरह का दिखता है। ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। इसकी बॉक्स की बात करें तो ये इसका MRP है 52990, मतलब 52,990 रुपये का। और ये कितने का मेरे को आया है ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलो इसकी अनबॉक्सिंग हम जो है शुरू करते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर आप देख रहे हो, सबसे पहले हमें बैग मिल जाता है जो कि अविता की तरफ से आता है। अगर ये बैग ब्लैक कलर में आता तो मे भी अच्छा लगता। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया कि इसको मैंने एक बार ओपन कर लिया था, आपको मैं दिखा सकूं कि इसमें बॉक्स में क्या क्या आता है। ये देखो, इस कलर का आपको लैपटॉप का बैग मिलेगा। चलो तो इसको हम साइड पे रखते हैं। और ये रखा हुआ हमारा लैपटॉप अविता का, इसको हम निकालते हैं बाहर। एक बार इसको हम साइड पे रख देते हैं। इस बॉक्स में है हमारा चार्जर। चलो इस बॉक्स को एक बार हम साइड पे रखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें है चार्जर। चलो इसको बाद में बात करेंगे। चलते हैं मेन लैपटॉप के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लैपटॉप है हमारा वो इस तरह के बॉक्स में आता है। देखिए, बिल्कुल ही स्लीक लैपटॉप डिजाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, अविता और पूरा यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग की हुई है। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लैपटॉप आपका ऐसा कुछ ऐसा दिखता है जो हम देख रहे हैं। चलो इसको अंदर से देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, लुक्स वाइज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। बिल्कुल स्लीक डिजाइन के अंदर है। LED डिस्प्ले आता है इसके अंदर। बैक साइड भी जो है वो बहुत अच्छी है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड्स, ये जो आता है Ryzen 5 के अंदर आता है, AMD के अंदर। 8 GB की इसकी रैम है और 512 GB SSD के अंदर आता है। ये HDD वाला मॉडल नहीं है, ये SSD वाला मॉडल है। और SSD आपको पता होगा कि SSD की स्पीड HDD से बहुत फास्ट होती है। तो इसका बूटेबल टाइम जो कंपनी ने बताया है वो 2 सेकंड का है, कि अगर आप इसको ऑन करते हो तो ये 2 सेकंड के अंदर ही ऑन हो जाएगा। अगर आप ऑफ करोगे तो उसका टाइम 1.9 सेकंड का है। तो इस टाइम के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। अभी इसके अंदर क्या है कि 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ भी है, कि अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर गेमिंग खेलना है, आपने एडिटिंग करनी है, तो आप ईजी इस लैपटॉप के ऊपर कर पाओगे। अभी क्या है, अविता क्यों लिया मैंने, अविता बेसिकली क्या है कि ये जो आप जो स्पेसिफिकेशन इसके अंदर देख रहे हो, ये स्पेसिफिकेशन अगर मैं डेल के ऊपर जाता, अगर मैं मान लीजिए दूसरे ब्रांड HP के ऊपर जाता, तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था। वो आपका नियर अबाउट 55,000 से 60,000 तक चला जाता था। अभी ये इसकी MRP जो थी फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रहा था, ये 26,990 का, मतलब 26,990 रुपये का। और इसको लेस लूस करके 10% का कैशबैक था, वो कैशबैक सारा निकाल के मुझको पड़ा है 25,500 रुपये का। ये 25,500 के अंदर आपको जो इसका Ryzen 5 प्रोसेसर है, जो आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रांडिंग है इसकी Ryzen 5 प्रोसेसर का, ये Ryzen 5 प्रोसेसर आपके i5 के प्रोसेसर के तरह ही है, उससे भी ऊपर आता है ये। और साथ में 8 GB की मेमोरी है, आपको SSD मिल जाता है। SSD बहुत अच्छा
पॉइंट है, बहुत अच्छी चीज़ है SSD जो कि HD से बहुत फास्ट चलती है। HD ग्राफिक्स, फुल HD ग्राफिक्स के साथ में आ जाता है। जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये फुल HD स्क्रीन है आपकी, 2GB ग्राफिक कार्ड के साथ में आ जाता है, आप गेमिंग वगैरह इजी कर सकते हो। चलो इसके साइड पे देखते हैं क्या है कि ये इसके इस साइड के ऊपर हम देखें तो ये आपका चार्जिंग पोर्ट है, ये USB वाला एक आ जाता है इसके अंदर, और सी पोर्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है कि अगर आपने सी पोर्ट और सी केबल इसके साथ अटैच करनी है तो आप सी केबल भी इसके साथ ईजी अटैच कर पाओगे, क्योंकि आजकल जो भी फ़ोन आ रहे हैं वो सी केबल वाले ही आ रहे हैं। HDMI पॉइंट मिल जाएगा आपको, फॉर आपकी प्रोजेक्टर यूज़ करना है, आपने LED के ऊपर चलाना है तो आप HDMI के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो। फ्रंट में फ्रेंड इसके कुछ नहीं आता, इसके जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे हैं, बॉटम पे हैं, जो हम देख रहे हैं स्पीकर बॉटम्स पे हैं। इस साइड के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे एक SSD स्लॉट आ जाता है, 3.5mm जैक आ गया और आपका पेन ड्राइव आ गया 3.0 वाला, मतलब फास्ट वाला। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे, विंडो कैसे इंस्टॉल होगी, क्या इसकी परफॉर्मेंस है, वो सारा फीडबैक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लैपटॉप कमेंट में मुझे बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।